हरियाणा के सारे जिलों की एक लिस्ट आई है क्राइम लिस्ट, उसमें मेवात सबसे नीचे के नंबर पे है। एक तरफ आप कहते हो मेवात में गो तस्करी होती है, गो हत्या होती है, एक दूसरी तरफ आप मेवात में बूचड़खाने दे रहे हो, लगातार 26 बूचड़खाने को आपने लाइसेंस दे दिए। मतलब लोगों ने मांगी यूनिवर्सिटी और सरकार ने, लोगों ने मांगी यूनिवर्सिटी और सरकार ने दे दिए थाने और बूचड़खाने, दो चीज़ें। मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि भारत का सबसे पिछड़े जिलों में से एक है, तो कोई गलत बात नहीं। नूह जो है वह कहते हैं कि पूरे मेवात इलाके की आत्मा है, यहाँ के चुनाव में मुख्य मुद्दा इस बार क्या है? देखिए, मेवात में यहाँ रेल का मुद्दा है, यहाँ बिजली पानी का मुद्दा है। मतलब पानी का तो ये है कि यहाँ 80% लोग जमींदार हैं, लेकिन ना खेतों को पानी है ना पीने का पानी है, जबकि हरियाणा के हर जिले में नहरें हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहर आई ही नहीं, आई ही नहीं है, और खेल सुविधाएं यहाँ नहीं है, ना कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें पीजी क्लासेज लगती हों, या जैसे अलग अलग स्ट्रीम की क्लासेज हों, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी ऑनर्स, हिंदी लिटरेचर, उस तरह की भी क्लासेज यहाँ किसी भी कॉलेज में नहीं है। हालांकि कहने को 4-5 कॉलेज हैं, लेकिन जब पीजी के क्लासेज नहीं हैं तो फिर कोई मायने नहीं रखते। दूसरी बात कि ये इलाका अक्सर जब चर्चा में आता है तो वह सिर्फ गो तस्करी, गो हत्या, पूरे देश में एक ब्रांडिंग मिनी पाकिस्तान और इस तरह का माहौल, इससे यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, किसी इलाके को जब ख़राब करना हो तो उसको बदनाम किया जाता है, वरना तो अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा के सारे जिलों की एक लिस्ट आई है क्राइम लिस्ट, उसमें मेवात सबसे नीचे के नंबर पे है। बताइए, कहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा, वहाँ कहते ये हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा है, वहाँ तो चलते आदमी को मार देते हैं। आप आधी रात पे पूरे जेवर पहना के औरत को नूह से और फिरोजपुर निकाल दीजिए, कोई टच भी कर जाए तो, ये हमारी गारंटी है। इसलिए जहाँ तक गो तस्करी का मामला है, 1-2% लोग गोस्तशी करी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बूचड़खाने तो दिल्ली में थे या हापुड़ में थे या बॉम्बे में थे। सारे जो 28 कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट करने वाली, उनमें से 24 हिंदुओं की, जिनमें जैन भी हैं, सबरवाल भी हैं, शर्मा भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो फिर क्यों मेवात को बदनाम किया जाता है, ये बात समझ से बाहर है। दूसरी बात एक तरफ आप कहते हो मेवात में गो तस्करी होती है, गो हत्या होती है, एक दूसरी तरफ आप मेवात में बूचड़खाने दे रहे हो, लगातार 26 बूचड़खाने को आपने लाइसेंस दे दिए। मतलब लोगों ने मांगी यूनिवर्सिटी और सरकार ने, लोगों ने मांगी यूनिवर्सिटी और सरकार ने दे दिए थाने और बूचड़खाने, दो चीज़ें दे दी। तो अब इससे सही मायने में नियत का पता चलता है कि शासन और प्रशासन इस इलाके के साथ क्या करना चाहते हैं। साहब, आप प्रतिष्ठित आदमी हैं, इतिहासकार भी हैं, पेशे से इंजीनियर रहे, लेकिन आपके यहाँ चुने हुए सारे प्रतिनिधि तो मुस्लिम ही हैं, तो फिर वो अपने हक को विधानसभा तक या देश तक क्यों नहीं ले जा पाए? देखिए, विधानसभा में बार बार बातें उठाई जाती हैं, इस बार पीछे भी उठाई बातें हैं, और कई बार तो काफ़ी एग्रेसिव ढंग से भी उठाई जाती है। एग्रेसिव उठाते हैं तो फिर उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, जैसे प्याज फोड़ना, या कोई आम वर्ड है, कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है कि वो कोई आतंकवादी लेकर आए और वो बहुत पहले उसने कह दिया तो उसी को लेकर खड़े हो गए, भाई प्याज फोड़ना का इसलिए दंगे हो गए, जबकि उससे कोई लिंक नहीं था इन दंगों का। जो लोग दंगों के लिए जिम्मेवार थे उनसे कोई, उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं करता। तो इसलिए विधानसभा में भी बातें उठती हैं, लोकल लेवल पर मेवात विकास सभा बार बार इन बातों को उठाती है, दूसरे संगठन भी हैं मेवात में, वो भी उठाते हैं। कई बार लोगों ने भादर से नूह तक पैदल यात्रा भी की, सड़क को 4-लेन करवाने के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बार बार, यहाँ तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को भी मेमोरेंडम दिए गए हैं, CM से पर्सनल मिलकर भी हमने कहा है कि जी हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं। एक बार हाँ तो कर जाते हैं, जब मिलते हैं हाँ कर लेते हैं, ठीक है कर लेते हैं। ये बूचड़खाने कैसे खुलवा देते हैं? अब मैंने कहा ना, इससे तो नियत का पता चलता मतलब है। आप बनाए रखना चाहते हैं, आप टैग बनाए रखना चाहते हैं, आज बूचड़खाने खोल दिए, कल इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे गो तस्करी का, और फिर पूरे इलाके को आप आग में। देखिए, आप गो तस्करी की बात करते हैं तो जो गो तस्कर थे, जितने भी थे, 2%, 3%, वो या तो हापुड़ ले जाते थे या दिल्ली ले जाते थे या कहीं कोसी ले जाते थे। अब आपने क्या कर दिया, अब तो पहाड़ बीच में है, पहाड़ से इधर को गाय आई और बूचड़खाने में गई, इसका मतलब आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे नियत का पता चलता है कि आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है, वरना ये इलाका ना गो तस्करी करता है ना क्राइम करता है। ठीक है, छोटी मोटी आप यहाँ साइबर क्राइम की बात कर सकते हैं, लेकिन चैन स्नेचिंग सबसे ज़्यादा या तो दिल्ली में होती है, गुड़गांव में होती है, क्राइम तो वहीं, देखिए आर्थिक क्राइम वहाँ होगा जहाँ पैसा होगा, यहाँ तो वैसे ही गरीब है लोग, यहाँ कौन क्राइम करेगा? अच्छा, जिन लोगों के घर बुलडोजर किए गए पिछले दंगे फसाद में और जो कार्रवाइयाँ की गई, उसमें क्या हुआ, कोई न्याय मिल पाया? नहीं, अभी तक किसी को कोई न्याय नहीं मिला, ना किसी को कोई मुआवजा मिला है। अलबत्ता हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है, उसके बाद जो होगा वो सबको पता। जिन लोगों के घर गिराए गए थे वो बन गए हैं, या सरकार ने कुछ किया है, या माना गया कि वो अवैध थे?
कुछ घर तो बन गए, एक दो ने बना लिए जिनके पास पैसा था, बाकी जो गरीब आदमी थे वो कई तो ऐसे जिन्होंने इंदिरा आवास से बनाए, तो अब दोबारा कैसे बना लेंगे? इंदिरा आवास के जगह पर गिराए गए थे या अवैध जगह पर ही गिरा दिए थे? कई वैध जगह पर भी गिरे हैं, कई अवैध जगह पर गिरे हैं। जैसे मेडिकल के सामने जो दुकानें थी उस जगह पर डिस्प्यूट था, कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने उसको स्टे दिया हुआ था, लेकिन किसी ने स्टे को भी नहीं दिया, इसके बावजूद गिरा दिया। यहाँ सारा होटल थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उसने कहा नहीं इसमें से पत्थर फेंके गए वो गिरा दी, अब वो उनकी वैध प्रॉपर्टी थी, इस तरह का भी हुआ है। तो सारी अवैध भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त तो ये था कि जो जिसमें मतलब सारी कवायद जो है वो टैग बनाए रखने की है, टैग बनाए, हाँ बिल्कुल टैग बनाए रखने की है, किसी न किसी तरह मेवात को बदनाम करने की है। अब आप अपने इलाके को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, ये क्या है, कौन सा वर्ड है? अपने ही देश में राजधानी के इतने नज़दीक, और जिनका पिछले 1000 साल का मेवात का इतिहास देख लीजिए, बलबन से, कुतुबुद्दीन से, बाबर से, और फिर अंग्रेजों से सबसे लड़े, दिल्ली की रक्षा के लिए लड़े, दिल्ली की सुरक्षा के लिए लड़े। 1857 में इस इलाके ने, इस इलाके की आबादी 1,10,000 थी, अंग्रेजों से 7 युद्ध किए दिल्ली के आसपास, दिल्ली की सुरक्षा के लिए। ऐसा अगर कोई और इलाका बता दें जिसने इतनी कम जनसंख्या के बावजूद अंग्रेजी तोपों का मुकाबला किया हो, तो बता दें, कोई दिखा दें। हमसे यूँ कहते हैं कि भाई आप सर्टिफिकेट दो देशभक्ति का, हम यूँ कहते हैं आप हमसे लो ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट, हमारा 1000 साल का इतिहास पढ़ो और हम देते हैं आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट, या आप दिखा दो आपने ऐसा कुछ किया हो। तो इसीलिए ये चुनाव है, तो चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? जनता बदलाव की तरफ है इस बार? हाँ बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को गुस्सा इस बात का भी है कि विकास नहीं हुआ, लोगों को गुस्सा इस बात का भी है कि हम बार बार सरकार से मांग करने के बावजूद हमारी बातें पूरी नहीं हुई, सरकार, लोगों को गुस्सा इस बात का भी है कि हमने यूनिवर्सिटी मांगी, हमें बुचड़खाने दे दिए और थाने दे दिए। तो ये सब असंतोष है जनता में और जनता बदलाव चाहती है। इतिहासकार सिद्दीकू अहमद मेयो, उन्होंने एक सूत्रवत बात कही, वो बड़ी कमाल की है और असरकारी है, कि मांगा हमने यूनिवर्सिटी और मिले हमें थाने और बूचड़खाने, और यह सब कुछ इसलिए है कि आप टैग बनाए रखो, हमें बदनाम करो। और सबसे आश्चर्यजनक बात है और समझने की भी बात है कि अपने ही देश में आप मिनी पाकिस्तान बोलते हैं और सबसे ज़्यादा समर्थक बोलते हैं सत्ताधारी पार्टी के, और आप खुश भी होते हैं। आखिरकार इस बंटवारे में जो मज़ा है, शायद मेवात को यह भुगतना पड़ता है, और उसी तरफ इशारा कर रहे थे हमारे साथ सिद्दीकू अहमद मेयो। शुक्रिया।